हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो में। पता है मैंने बहुत महीनों से वीडियो नहीं डाली थी, पर जिस दिन से मैंने वीडियो नहीं डालना शुरू किया था उसी दिन से मैंने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया। और मैंने रिकॉर्ड किया था बट मुझे लगा ठीक है वो अच्छा नहीं है, मैंने वो छोड़ दिया। और अभी कंटेंट के लिए वीडियो बना रहा था मैं, और अच्छा खेला, बहुत अच्छी माइनिंग की मैंने, तो वो सब किया बट बाद में याद आया मैं थोड़ी बंद हो चुकी थी तो वो भी नहीं, सॉरी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा इन शॉर्ट हमने क्या क्या तरक्की की है। पहले वो जो बड़ा सा तार लगा है वो हम अक्सर मैं अक्सर माइनिंग के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए ना तो वहाँ पे से टावर वाला रख देते हो, बाकी दूर से भी बिक जाए, आप कैसे दूर का भी दिखना चाहिए ना, तो बार बार मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों बट भूल जाता। तो उसके लिए भी मैंने इस डायरेक्शन में घर, तो चलिए जाते हैं। पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ एक्चुअली छोटे छोटे लगाए थे, मुझे लगा चलो अच्छा डेकोरेशन के लिए पर बढ़ गए। तो एंट्री को आप देख सकते आपको वो बाद में दिखाऊंगा मैं। तो आप ये देख सकते हैं दो बैनर, ये क्यों लगाया है क्योंकि दो बार तीन बार रेड पड़ी थी, एक बार मैंने क्लियर किया था पर वो दो बार मैंने हराया था, तो इसके मेडल से दो बार हराने के। तो यहाँ पे अपना ये है, आपको लग रहा हो कि आधा कॉबल स्टोन और आधा ओक का क्यू है, नहीं तो इसका उत्तर है पूरा ओक का ही था। मैंने यहाँ पे आग लगाई थी अच्छा डेकोरेशन के लिए, घर ही जल गया, क्रिएटिव। और फिर यहाँ पे एक पेड़ था, ये आप सोच रहे हो ये कहाँ से मिला, ब्लेजर से चुरा के लाया, ये बनाया है और ये चुरा के लाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो अनमोल येलो बेड जो हमने पड़ोसी विलेज से चुरा के लाए हैं, ये एक दो तीन चार बेड जो हमने पड़ोसी से चुरा के लाया। और आप पूछ रहे हो ये क्या है, मैं ऊपर जाता हूँ स्विमिंग पूल और वहाँ से डायरेक्ट नीचे चला मारता हूँ अपने स्विमिंग पूल में, ऐसा नहाना भी हो जाता है अपना। तो यहाँ पे ऊपर गए ना तो यहाँ पे आपको फिर से और एक दो तीन चार बेड मिलते जो ऑब्वियसली विलेजर से चुरा के लाए, तो यहाँ पे हम ऐसे सो जाते सामने भी। यहाँ पे हमारा खेत, दूसरा खेत देखना आपको, ये देखो ये है हमारा दूसरा खेत, बहुत अच्छा बना है। और ये है हमारा तीसरा, यहाँ पे हमने सिर्फ चार गाय लाए थे, हेमा रेशमा पुष्पा। और उनका हेमा इंटू 100 हो गया, जय इंटू 100 हो गया, सब इंटू 100 हो गए और ये 400 बन गए पूरे, नॉट काउंट नहीं किया मैंने। और एक बात, मेरे पास यही माइनक्राफ्ट में कोल बहुत मिलता है बट मैं बहुत कंजूस करता हूँ, आयन यूज करने में बहुत कंजूस करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा विलेज का फार्म है, मुझे लगा था पानी से ही होता है इसलिए मैंने नदी किनारे बांध दिया है, क्यों खाल में मेहनत कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सा सनसेट, एंड यहाँ पे ये आधा अधूरा है, यू मस्ट बी थिंकिंग तो इतने में खुश कैसे, राइट? नहीं सोच रहे फिर भी सोचो इतने खुश कैसे होगा मैं। और यहाँ पे टॉर्चेस जो दिख रहे हैं वो पहली बार तो उस माइनिंग के लिए, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी वो सुबह अभी हम देखने के जाएंगे सुबह देखेंगे, राइट? आई विल शो यू व्हाट थिंग्स आई गॉट, मिस्ट्रियस थिंग, मिस्ट्रियस बच गया यार, ये बहुत अच्छा, ठीक है आई विल शो यू मिस्ट्रियस थिंग्स आई गॉट। पहले हम थोड़ा पाव खाएंगे, ओके हम क्राफ्टिंग टेबल से थोड़ा पाव बना लेंगे। यहाँ पे हमको डालना है पाव, मेरे पास सामान बहुत है इसमें कुछ रिस्क नहीं लूंगा। हाँ ये गोल्ड और सब वहां से ही मिले मुझे माइनिंग करते हो, देखो
पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो को ना यहाँ अपना बच्चा अपना नहीं जाता तुम कभी बस मारा यार यहाँ पे एक जिसे कुछ नहीं है पानी ही यहाँ पे जिसे यहाँ पे सकते हैं वो भी हम बाद में देख लेंगे और इसको फॉलो करते करते जाएंगे यहाँ से हम नहीं गिरेंगे वहाँ पे वो लाहार डिश इज वो चीज जो हमको मिली थी इस पे हम कदम फूक फूक के चलेंगे यहाँ पे ओब्सिडियन है नेदर पोर्टल के लिए काम आएगा और यहाँ पे लैडर चढ़ने के लिए यहाँ स्टेज बहुत मिस्ट्रियस मिला था और उसके साथ ही इसी लावा में हमारे डायमंड पिकैक्स गई है। ये बहुत ही दुखदायक चीज है मेरे दिमाग में क्या है और डायमंड तो है मेरे पास डायमंड पिकैक्स मैंने कि इसको ही कंटिन्यू कर देते हैं हो गया नेदर पोर्टल खाली काय को इतना क्या बोलते उसको कष्ट करने के इधर से बना डालते और जो हमको दूसरा चीज मिला था ना वो समंदर में सुखा गया बीचों बीच बीच के एकदम बीचों बीच मिला था हमको वो भी सेम ऐसे था द सेम लाइक दिस सॉरी यार सॉरी गाइस ओह नहीं इधर फास्ट फॉरवर्ड डिंग 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 फास्ट फॉरवर्ड 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 यहां पे भी एक बहुत अच्छी दुनिया है जहां पे मैं टॉर्चेस लगा एक्सप्लोर करते करते मैं टॉर्चेस लगा था ताकि रास्ता ढूंढूं ना ठीक है ये सब हो गया तो अब आपको दिखाऊंगा मैं सबसे भयानक चीज जिसको देख के आपकी कुछ नहीं होगी फटेगी भी नहीं हम चलते हैं आगे और हाँ गाइस एक्चुअली ना मैं बहुत दिन से माइनक्राफ्ट खेल रहा था मैं एक बार भटक गया अपने गांव गांव मिला मैं भटक गया मैं किस डायरेक्शन से आया बहुत बहुत ढूंढने के बाद मैंने वो फाइनली अपना घर ढूंढ लिया टॉर्चेस नहीं उसके हेल्प से और बाद में जब मैं ऐसे टहलने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक पहाड़ है मैं आपको दिखाता हूँ हाउ आई सी यू आई शो यू और ये हमारे वो जो पहाड़ दिख रहा है उसी के पीछे गांव है तो मैं यहाँ से आने तक रास्ता भटक गया था बट उसी के पीछे गांव था सबसे बड़ी कोच यहाँ से यहाँ जाना है टॉर्चेस को फॉलो करते करते मगर नहीं जाना है बस यहाँ से थोड़ा नीचे आपको ओग दिख रहा होगा ओग उतना मत बोल यहाँ से नहीं कुछ नहीं अरे कुछ नहीं यार स्केलेटन मार देता हूँ पर ओग डर गया ना मैं आई डोंट थिंक मुझे रिस्क करना चाहिए बस बहुत अच्छा मान यार मुझे मत मार प्लीज मुझे मत मार मैं तेरे पैर पड़ता हूँ कहाँ पे तू और यहाँ पे और एक नीचे गुफा कुछ है अबे ताले तू सामने तू सामने मत आ बट आ तो यहाँ पे अपना मैंने एक गोल्ड माइन ढूंढ लिया था जिसमें घंटा कोई गोल्ड नहीं मिला मुझे सिर्फ एक चेस्ट मिली जिसमें से अच्छा अच्छा सामान भी नहीं मिला एक सैडल मिला था वो भी मैंने घुमा दिया तो चलो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं वो सकड़ा बाद में दिखा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ठीक है तू भूख ले रहा है ओ एक्चुअली है ना यहाँ पे कुछ कुछ मैं सिर्फ टॉर्च सारे तरफ टॉर्चेस लग रहे ज़्यादा कुछ देखा नहीं था तो यहाँ पे लगा लेता हूँ ओके नहीं नहीं डेड एंड नहीं ओ शिट ऐसे फटती यार बाद में चलो फिर कभी आएंगे ओके 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 फिलहाल आपको सरप्राइज दिखाता हूँ वो बनाने में बहुत कष्ट गया था मेरा गिर मत यार चल गिर जा वो बनाने में हमारा बहुत कष्ट गया था आपको दिखाते हैं हमारे कष्ट
ये देखिए गाइस, वो घर है हमारा बनाया था। मैं कब तक तो उस छोटे घर में रहूंगा गाइस, जिसमें मैंने ये बड़ा घर बनाया था। बड़ा बहुत कुछ दिखाऊंगा यार, बहुत ये आप यहाँ पे आते हैं नहीं, बट वो मैंने क्यों रखा है आपको पता है? याद वो पहला घर है ना मेरा, तो पहले घर को ऐसे थोड़े ना कोई बेच देते यार। तो तुम बाहर कैसे आ रहे हो? एक सेकेंड, तू कहाँ पे है यार? आइटम प्लॉप्स खाना। आई विल एक्सप्लेन यू दिस वन गाइस। यहाँ पे मैंने ऊपर लगाए हैं, और ऊपर से जो या बच्चे अंडे देंगे वो सीधा ऊपर में गिरेंगे, और इस ऊपर से वो इस चेस्ट में गिरेंगे, और इस चेस्ट से वो इन दोनों चेस्ट में गिरेंगे। यहाँ पे हमको अंडा मिलेगा, अरे और यहाँ पे हॉर्स आएगा। तो चलिए पधारते हैं हमारे देश। मैंने दरवाजा खुला ही रखा था। नाइस, ये पहले है हमारा वीट का फार्म। पानी ऐसे पानी बह के जाता है, फिर यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं। ये हमारा बीटरूट का फार्म। फिर अगर आपको बड़ी नजर चाहिए तो यहाँ से आप सारे डायरेक्शंस में अच्छे से देख सकते हैं। फिर आपको मैं और एक चीज, यहाँ से बीटरूट के फार्म से ऊपर गए तो ये दो लैंटर्न जो हम चुरा के लाए हैं। हाँ, यहाँ पे है मास्टर बेड, ये चेस्ट जिसमें अनमोल रखने हैं, और ये चेस्ट जिसमें घंटा रखने हैं। बीटरूट का सुप वो उसी फार्म से बना है, पर के दो शाइनिंग के लिए है। फिर आते हैं लाइब्रेरी, और ये बुक्स भी चुरा के लाए विलेजर के लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे चार चेस्ट जो ऑफन में यूज नहीं करते, ये चेस्ट यूज करता हूँ मैं। हाँ, ये वाला एक लावा का बकेट, एक ये वाला बकेट, बाकी कुछ नहीं है। रेडस्टोन बहुत है मेरे पास, और इसमें गोल्ड पड़ा है, सॉरी आयरन पड़ा है, और यहाँ से दरवाजा बस इतना ही है। तो इधर हम लगाएंगे ये आयरन मेल्टिंग को, सॉरी गोल्ड मेल्टिंग को लगाएंगे, और यहाँ पे आयरन मेल्टिंग को लगाएंगे, ठीक है। तो अपना आर्मर विरमर अच्छे से रख के आते हैं गाइस, वो गोल्ड और आयरन। यहाँ पे देखिए खजाना ही खजाना है। ये विच से गिरा था, ये चुरा के लाया हो, ये दो मुझे एक स्पॉनर के पास चेस्ट रहते ना, हाँ हाँ वही वहाँ से मिले थे। ये एंचेंटिंग बुक भी वहीं से मिले हैं, ये खोद खोद के लाए। ये वो दिखाया नहीं था ना आपको, वो आधा कटा हुआ पोर्टल, हाँ हाँ उसी चेस्ट में से ये सब मिला है। ये मुझे विलेजर्स के यहाँ से मिला है, और क्या बोलते हैं माइन का थे ना, था ना वहाँ से चुरा के लाए। ये एक जॉम्बी को मारा था वहाँ से मिला। अरे यार हर एक बता, तुमने बता दिया ना। और ये अपना बनाया मैंने, तो यहाँ पे आप अपना ऐसे बहुत चीजें है मैंने जो आपको नहीं बताई गाइस। टेल यू आफ्टर वर्ड्स, गुड नाइट। ये हाँ मैंने एक बीच बनाया था यार, मुझे एक बीच बीच की सख्त जरूरत थी, सख्त, हाँ रियली सख्त। तो देखते हैं वो बीच बनाया क्या नहीं। इस घोड़े की कहानी बताता हूँ। इस घोड़े की ये भी चुरा के लाया है, यूजुअल वहाँ पे मुझे कुछ तो बनाना है, पर अभी डिसाइड नहीं किया क्या डालू उधर। ये घोड़ा है ना, मेरे पास दो घोड़े थे, उनके वो जंगल में जाके गुम हो गए। पहली बार में सैंडल ही बोल रहा हूँ, सैंडल थे दोनों को। अब सैंडल ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको बांध के रखा है। बांध के नहीं खुला ही है, बट फिर भी केयर करके रखा है। और यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हम अपना बीच पाते हैं। ये देखिए ये बीच मैंने खुद बनाया है, एंडरमैन था वहाँ पे। यहाँ से पानी यहाँ ट्रांसफर किया, और फिर वहाँ का सैंड भी यहाँ ट्रांसफर किया। और धूप में इतनी कड़क थी धूप, अरे धूप का है ना, इस धूप में हम नहीं रहे, इसलिए मैंने इस साइड से ब्लॉकिंग सन रेज बनाया। यहाँ पे बेड डालूंगा और सोऊंगा। सामान रहता है
अबे निकल यहाँ पे, सब ऐसे खेती बाड़ी का पेड़ थे यार, और यहाँ पे गंदा गंदा सामान रहता है। लेकिन भी मेरे पास नेम टैग बहुत है, चल ठीक है, आपको एक लास्ट। चलो अब हमारा बीच कंप्लीट कर लेते हैं और फिर खत्म, बीच कंप्लीट कर लेते। बीच के लिए ना हमें एक बेड बेड लाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत बेड पड़े यार, जान दे मैंने जाओ खेत में दूर, मेरे पास वूल होगा ना, ये सब वूल है। Let's flash it over here. वीडियो को लास्ट तक देखा प्लीज, एक सरप्राइज इसमें दे दूंगा मैं। हाँ एक जूक बॉक्स भी बनाऊंगा, उनका आवाज सुनेगा यहाँ पे, मस्त ऐसा गाने सुनते सुनते ले लूंगा। यस 1 2 3 जरूरत लग गया बेड, 1 2 3 गो राइट। और जो हमारा सरप्राइज है वो है, वाह ये है दिस गाइस, अबे तेरी माँ करेंगे हम, यार जरा दूर जाके डिस्कस करेंगे, रुको एक मिनट। यहाँ पे हमारा है मस्त मस्त पानी, कितना कितना सानी, और ये आसमान ये है हमारा जरा अपग्रेडेड। सो बता देना इस इसमें खेलू, इस इसमें खेलू या वो दूसरे ग्राफिक्स में खेलू। और यहाँ पे मस्त ऐसे छाव अपने थोबड़ पे पड़ेगी, ये मस्त सब घर अपना अपना दिखेगा अपने स्क्रीन पर, जो बैठना पानी भी मस्त है, सब मस्त है। तो बस इतना आज के वीडियो के लिए, आप माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट की जर्नी नाम 100% अगले इसमें कंटिन्यू करेंगे, आप सिर्फ दिखा दिया क्या क्या किया, अगले इसमें डबल कंटिन्यू कर देंगे। और ये हमारा जरा मेजरमेंट गलत हो गया तो इसमें लगाया, तो बस आज के वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप सबने ये पहले से करके रखा तो मेरी मानो आपसे बढ़िया इंटरेस्ट पूरे दुनिया में कोई नहीं है। और एक लास्ट का क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं मैं नया वर्ल्ड बनाऊं तो कमेंट में बता देना। बाय।